हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपका फिजिक्स टीचर आरपी सिंह हूं। मैं पिछले 6 साल से आईआईटी जेई और नीट के बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे फिजिक्स के कठिन से कठिन चैप्टर को बखूबी आसानी से समझ पाते हैं और मेरी यह कोशिश भी रहती है कि मैं उनको सरल तरीके से समझा सकूँ। तो अब बारी आपकी है और इसलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। पिछली क्लास में हम लोग जो है रिफ्रैक्शन में जो मैंने बोला था कि दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ क्रिटिकल एंगल एंड TIR। उस केस में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे TIR के ऊपर और देखा था कि क्रिटिकल एंगल जो है किस तरीके से हमारी विजिबिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ हमने ग्राफ के बारे में बात की थी और ग्राफ की अगर बात करें तो कल मैंने ग्राफ बताया था डेविएशन और इंसिडेंट एंगल का, और वो कुछ ग्राफ कुछ ऐसे होता था। ये जो है पॉइंट, यह वह पॉइंट है इंसिडेंट एंगल का जहां इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तो डेविएशन जो है दैट इज़ π/2 - c, और यह वह एंगल है जहाँ पे डेविएशन है जो π - 2 c के बराबर है। ये डेविएशन का एक्सिस है और यहाँ पर ये वॉइड पॉइंट होता है और ये एक स्ट्रेट लाइन होता है, और यहाँ पर इंसिडेंट एंगल पर यह जो पॉइंट है दैट इज़ द मैक्सिमम इंसिडेंट एंगल विच इज़ π/2, i = π/2। तो यहाँ तक हमने बात करी थी और ये भी बात करी थी हम कि अगर डेविएशन 0 से π/2 - c के बीच में लाई करेगा तो दो सॉल्यूशन होगा। इफ़ डेविएशन लाइज बिटवीन 0 से less than or equal to π/2 - c अगर इसके बीच में हो तो देयर इज टू सॉल्यूशन। इसका मतलब यह है कि हमको दो वैल्यूज मिलेंगी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए। एंड इफ़ π/2 - c से बड़ा डेविएशन एंगल जो है less than or equal to π - 2 c हो तो सिर्फ और सिर्फ हमको वन सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। तो यहाँ तक हमने बात करी थी। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन पे। अ लाइट रे इंसिडेंट फ्रॉम ग्लास टू एयर इंटरफेस। ग्लास जो है यहाँ पर देखें तो ये ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है एंड दिस इज एयर, इट इज नॉर्मल लाइन और एक रे है विच इज मूविंग इंसिडेंट लाइक दिस। ग्लास टू एयर इंटरफेस, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल बताना है एट विच डेविएशन एंगल ऑफ लाइट बिकम्स 90 डिग्री, जिस पर जो है कि हमको बताना है कि डेविएशन जो है एंगल ऑफ डेविएशन जो है कितना है, 90 डिग्री है। इसके लिए वैल्यू ऑफ आई जो होगा क्या होगा, तो एक बार कोशिश करें, ट्राई करें और बताएं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। हमने बोला था कि जब भी हम रिफ्रैक्शन में डेविएशन की बात करेंगे तो दो केसेस की बात करेंगे, कब कब, व्हेन आई इज लेस देन सी, लेस देन और इक्वल टू सी, एंड व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो मतलब रिफ्रैक्शन के लिए और TIR के केस में डेविएशन जो होता है अलग अलग होती है वैल्यू, तो उसके लिए जो है हमको बताना है कि डेल्टा बराबर 90 डिग्री कब होगा, किस इंसिडेंट एंगल के लिए होगा। यह आई की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बड़ी है क्या है, इसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ से एक चीज़ हमको देखें, क्रिटिकल एंगल कितना है। यहाँ से अगर देखें तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक,
तो साइन सी की अगर बात करें तो साइन सी बराबर हम लिखेंगे 1/3/2, या ये वैल्यू जो हो जाएगी 2/3, और ये वैल्यू जो होगी दैट इज इक्वल टू 0.66, यानी कि साइन सी की वैल्यू जो है दैट इज 0.66, है ना, इतनी हो रही है। और अगर हम देखें तो यह वैल्यू जो है, यानी कि सी जो है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो है कहीं ना कहीं, अगर हम एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लें तो ये जो वैल्यू है इसको बोल सकते हैं कि ये 50 डिग्री से कम ही होगा, है ना, ऐसा हम एक आइडिया ले सकते हैं। 90 डिग्री से तो कम है, तो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कुछ ऐसी हुई। अब एक बात तो हमको समझ में आ रही है कि यहाँ पर अगर देखें तो अगर आई लेस देन सी है, मतलब अगर इससे 0.66 की वैल्यू से साइन सी की वैल्यू अगर छोटी है, तो फिर यह रेज होगी कहाँ जाएगी, दूसरे में, यहाँ पर, है ना, ऐसे ऐसे रे चली जाएगी, और ये एंगल जो होगा वह कितना हो जाए, आर हो जाएगा। अगर डेविएशन की बात करें, डेविएशन की बात करें तो यह डेविएशन जो रिफ्रैक्शन की वजह से होगा, रिफ्रैक्शन की वजह से जो डेविएशन होगा दैट इज आर माइनस आई, कितना हो जाएगा, आर माइनस आई। अब एक चीज हमको ग्राफ से यहाँ पर देखना होगा, क्या चीज, कि R माइनस आई के लिए जो ग्राफ होता है वो तो A होता है, और इसके लिए मैक्सिमम जो डेविएशन होगा दैट इज पाई बाई टू माइनस सी। सी की इस वैल्यू की, ये वैल्यू जो है अगर ध्यान से देखें कि सी की पार्टिकुलर वैल्यू के लिए यह डेविएशन जो है हमेशा, यह वैल्यू जो है हमेशा, यानी कि पाई बाई टू माइनस सी विल ऑलवेज लेस देन पाई बाई टू, ये हमेशा सी की किसी वैल्यू के लिए यह वैल्यू हमेशा पाई बाई टू से छोटी होगी। यानी कि अगर आई लेस देन सी है, अगर क्रिटिकल एंगल से वैल्यू छोटी है तो डेविएशन जो मैक्सिमम होगा दैट इज पाई बाई टू माइनस सी, लेकिन यहाँ पर जो डेविएशन बोल रहा है वो कितना बोल रहा है, 90 डिग्री, कितना बोल रहा है, 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि 90 डिग्री की वैल्यू के लिए यहाँ पर ध्यान से देखें तो कभी भी यह डेविएशन रिफ्रैक्शन के केस में 90 डिग्री नहीं हो सकता। अगर रिफ्रैक्शन होगा तो कितना होता है, डेल्टा बराबर आर माइनस ई, तो इस वैल्यू के लिए यह वैल्यू कभी भी ये 90 डिग्री के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू वह कितनी है, पाई बाई टू माइनस सी, इससे ज़्यादा डेविएशन इसके लिए कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब कि डेविएशन जो 90 डिग्री हो रहा है वह TIR के केस में हो रहा है, किस केस में हो रहा है, TIR के केस में, एंड देयरफोर वी हैव सिचुएशन दैट इफ अरे इज मूविंग एट एंगल आई एंड विच इज ग्रेटर देन सी, देन इट विल शो TIR एंड दिस एंगल विल बी ऑल्सो आई, एंड वी नो दैट इन दैट केस द डेविएशन डेल्टा कैन बी रिटेन एज पाई माइनस टू आई, ये होता है, है ना। तो यहाँ पर जो है ये डेविएशन बोल रहा है कि कितना है, ये पाई बाई टू के बराबर है, यानी 90 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब ये है कि 2i जो होगा दैट इज पाई बाई टू, एंड दिस इम्प्लाइज दैट आई जो होगा दैट इज पाई बाई फोर, यानी कि एंगल जो होगा दैट इज पाई बाई फोर। समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से हमको ग्राफ्स की मदद से अगर कभी भी डेविएशन की बात हो जाए तो डेविएशन की बात आते ही हमको तुरंत
तुरंत ही हमारे दिमाग में क्या चीज़ क्लिक करनी चाहिए, ग्राफ डेविएशन वर्सेस इंसिडेंट एंगल का। जैसे मैं ये क्वेश्चन करूं आपसे कि ये जो है यहां पर है ना, ये ऐसे हाउ मेनी वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल पॉसिबल फॉर डेविएशन, मतलब कितने सॉल्यूशन होंगे। अगर डेविएशन बोल रहा है कि कितना है 45 डिग्री, अगर डेविएशन 45 डिग्री है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की कितनी वैल्यू होंगी, ए के लिए कितना वैल्यू होगा। व्हेन रे इज मूविंग फ्रॉम एन इक्वल टू 5 टू एन इक्वल टू 3 हाउ मेनी वैल्यू इज पॉसिबल। एक बार आप अपने से सोचें और बताएं कि कितनी वैल्यू होगी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए व्हेन रे इज मूविंग फ्रॉम मीडियम एन इक्वल्स टू 5 बाय एन इक्वल्स टू 5 टू एन इक्वल्स टू 3 फॉर द एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल्स टू 45 डिग्री। बताएं सब लोग कितना होगा। द ग्राफिकल परस्पेक्टिव जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, तो वो चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर देख करके बताइए कितना होगा, एक बार ट्राई करें कितना सॉल्यूशन होगा, फिर मैं उसके बाद बताऊँगा कि कितनी वैल्यूज जो है पॉसिबल है। नंबर आपसे केवल पूछा जा रहा है कि हाउ मच नंबर इज पॉसिबल। द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर डेविएशन इक्वल्स टू 45 डिग्री, 45 डिग्री के लिए बताएं कितना होगा, क्या करेंगे। अगर हम इसके लिए यहाँ पे बात करें तो क्या चीज़ हम यहाँ पे बात करेंगे कि n बराबर 5 से n बराबर 3 में जा रहा है, तो सबसे पहले हमको क्या चीज़ कैलकुलेट कर लेना चाहिए। हम कैलकुलेट कर लें कि साइन c की वैल्यू जो है कितनी होगी, तो साइन c बराबर स्मॉलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 एंड अपॉन लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/5 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू साइन 37 डिग्री है ना, एंड दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू 37 डिग्री। इतना तो हमको पता चल गया है ना कि 37 डिग्री जो है वह क्रिटिकल एंगल है। अब जरा ग्राफ पे हम आ जाते हैं, ये हमारा ग्राफ होता है। ग्राफ में बोल रहा हूँ कि ग्राफ जो है हमको याद होना चाहिए, इसका हर पॉइंट जो है वो याद होना चाहिए है ना। यह पॉइंट जो है यह C है और ये कितना है पाई बाई टू है, ये I एंगल ऑफ इंसिडेंस का एक्सिस है, ये डेविएशन का एक्सिस है, ये पाई माइनस टू सी के बराबर है और ये जो है पाई बाई टू माइनस सी के बराबर है। तो जरा बताएं कितना एंगल, कितना सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। डेविएशन 45 डिग्री कहाँ पे लाई करेगा, अगर ध्यान से देखें तो 45 डिग्री कहाँ पे लाई करेगा। सिंस क्रिटिकल एंगल इज 37 डिग्री देयरफॉर दी, अगर इस वैल्यू की बात करें तो पाई बाई टू माइनस यानी कि 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री, ये वैल्यू जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी 53 डिग्री हो जाएगी। अगर सी की वैल्यू रख दें तो ये वैल्यू यानी कि यहाँ तक 0 से लेकर 53 डिग्री तक अगर डेविएशन है ना, इफ डेविएशन, इसका मतलब ये है कि 0 से बड़ा और छोटा अगर अगर 53 डिग्री एंगल से छोटा अगर डेविएशन हो, तो छोटा मतलब इस रीजन में, ये रीजन में अगर डेविएशन लाई करेगा तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, दो सॉल्यूशन विल बी देयर, एक यहां पर और एक यहां पर, है कि नहीं। तो यहां पर जो है कितना हमसे डेविएशन बोला गया है 45 डिग्री बोला गया है, बट डेविएशन 45 डिग्री क्या इन दोनों के बीच में है, यस, देयरफॉर टू सॉल्यूशन जो होगा इसके, इस डेविएशन के करेस्पॉन्डिंग देर विल बी टू सॉल्यूशन, टू वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी तरह से मैं बी के लिए पूछूं कि बी अगर डेविएशन 60 डिग्री है,
देन हाउ मेनी वैल्यू इज पॉसिबल, कितनी वैल्यूज जो हैं दैट इज पॉसिबल फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस, फॉर द एंगल ऑफ डेविएशन 60 डिग्री, कितना होगा बोलो। अब ध्यान से देखो कि डेविएशन 60 डिग्री इस सिचुएशन के लिए कहां पे लाई कर रहा है, इस सिचुएशन के लिए डेविएशन 60 डिग्री कहां पे लाई कर रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो यह वैल्यू जो है यह 53 डिग्री के बराबर है, जो हमने कैलकुलेट किया। अगर सी की वैल्यू रख दें तो यह वैल्यू जो है किसके बराबर आ गई, 53 डिग्री के बराबर, यानी कि डेविएशन 60 डिग्री कहीं यहां पे लाई करेगा। और यह पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें तो यहां पर केवल और केवल ग्राफ को एक जगह कट करेगा, इसका मतलब कि ओनली वन सॉल्यूशन, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इफ डेविएशन इज 53 डिग्री से बड़ा है ना, और पाई माइनस 2c यानी कि 37 कितना कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा ना, 74 और पाई में से इसको घटा दें तो 106 डिग्री। अगर डेविएशन इससे अगर छोटा या बराबर हो, नहीं 106 डिग्री से छोटा हो है ना, अगर ऐसा है तब कितना कितना हमको सॉल्यूशन मिलेगा, ओनली वन सॉल्यूशन। देखो है ना, तो इतना हमको पता चल गया कि कितना सॉल्यूशन, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करते हैं तो खुद हमको पता नहीं चल पाता कि सॉल्यूशन जो होगा वह एक होगा दो होगा तो आंसर कितना होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब जरा इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो है मीडियम है, रूट टू वन है, और यहाँ पर जो है एक रे जो है दैट इज इंसिडेंट एंड एंगल आई, आई एंगल पर इंसिडेंट हो रही है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर डेविएशन इक्वल टू 15 डिग्री, 15 डिग्री डेविएशन के करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू पूछी जा रही है। सबसे पहले तो ये बात करनी पड़ेगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू दो होंगी कि एक होंगी, तो ये हमको कैसे पता पड़ेगा, ग्राफ से पता पड़ेगा। ग्राफ से जब हम बात करते हैं तो कैसे हम निकाल सकते हैं, ग्राफ फिर एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, एक बार ग्राफ ड्रॉ कर लिए, ये पाई बाई टू, ये जो है कौन सा पॉइंट होता है, पाई माइनस टू सी, ये जो पॉइंट है कितना होता है, पाई बाई टू माइनस सी है ना, यह पॉइंट जो होता है दैट इज क्रिटिकल एंगल। तो जरा बताओ कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, पहली बात तो ये कि कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं फॉर डेविएशन इक्वल टू 15 डिग्री, हाउ मेनी वैल्यू विल बी पॉसिबल। फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस बताइए, दो सॉल्यूशन होंगे, क्यों, क्योंकि क्रिटिकल एंगल की बात करें तो साइन सी जो होगा वह कितना हो जाएगा, 1/√2, और इसका मतलब है कि यह वैल्यू जो होगी साइन 45 डिग्री के बराबर होगी, यानी कि सी की वैल्यू जो होगी दैट विल बी 45 डिग्री। अब जरा सी की वैल्यू यहाँ पे रख ले तो यह वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी, अगर सी की वैल्यू रख दे 45 डिग्री तो ये वैल्यू जो हो जाएगी दैट इज ऑल्सो 5/4, और यहाँ पर जो होगी यह वैल्यू जो हो जाएगी वह वैल्यू पाई बाई टू हो जाएगी। तो 15 डिग्री कहाँ पे, डेविएशन 15 डिग्री कहाँ पे लाई करेगा, कहीं यहाँ पे लाई करेगा 15 डिग्री है ना, क्योंकि यह वैल्यू जो है 45 डिग्री है, ये वैल्यू कितनी है 45, तो 15 डिग्री कहीं यहाँ पे लाई करेगा, यानी कि दो सॉल्यूशन मिलेगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। यह किसके लिए है, यह डेविएशन इक्वल्स टू आर माइनस आई के लिए है, किसके लिए है, आर माइनस आई के लिए, और यह जो है डेविएशन इक्वल्स टू पाई माइनस टू आई। तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं कि व्हेन व्हेन
TIR is occurring, then deviation is equal to 2 pi minus 2i, और कितना है deviation, that is 15 degree equals to pi minus 2i, और 2i को इधर ले आए तो ये हो जाएगा 180 degree minus 15 degree, that is equal to 165 degree, and therefore i becomes 82.5 degree. ये एक वैल्यू हो गई, आई की वैल्यू कितनी हो गई 45, एक तो वैल्यू हमको मिल गई जब टी आई आर हो रहा है, दूसरी वैल्यू जो होगी हमको कहाँ से मिलेगी, जब रिफ्रैक्शन हो रहा होगा. ये रूट टू है और ये वन है, रे जो है ऐसे मूव कर रही है एट एंगल आई, ये जो है दैट इज ओरिजिनल पाथ, और बट रे जो है रेयरर में जा रही है तो ऐसे मूव कर गई, है ना. ये जो एंगल है ये वाला दैट इज आर, ये एंगल जो है दैट इज आई, एंड दिस एंगल इज एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन. तो यह एंगल कितना होगा, देखो ये आर है, ये कितना है आर है, तो और ये क्या है आई है, तो ये R बराबर और ये डेल्टा बराबर बोल रहा है कि कितना है 15 डिग्री, तो R बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफोर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू I प्लस 15 डिग्री, I प्लस 15 डिग्री, है ना. यूजिंग अब स्नेल्स लॉ हम लोग यूज कर लेते हैं, यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ जो है यूज करो, स्नेल्स लॉ को जब यूज करेंगे तो क्या वैल्यू हम क्या हमको मिलेगा, रूट टू इंटू साइन आई इक्वल्स टू उधर कितना है वन इंटू साइन आर, है ना. बट आर की वैल्यू जो है वह कितना लिख सकते हैं आई प्लस डेविएशन, और यह जो हो जाएगी वैल्यू साइन आई प्लस 15 डिग्री हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू साइन आई प्लस 15 डिग्री होगा. अब उसको सॉल्यूशन उसको अब मतलब इसको जो है सॉल्व कीजिए कि रूट टू साइन आई इक्वल्स टू साइन आई प्लस 15 डिग्री, है ना. इसको कैलकुलेट करें आप लोग तो ये कितना हो जाएगा, रूट टू साइन आई इक्वल्स टू ये लिख सकते हैं साइन आई इंटू कॉस 15 डिग्री प्लस कॉस आई इंटू साइन 15 डिग्री. कॉस 15 डिग्री की वैल्यू जो है हम लिख सकते हैं साइन आई इंटू कॉस 15 डिग्री की वैल्यू जो होती है रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू रूट टू प्लस कॉस आई इंटू इसकी वैल्यू जो होती है साइन 15 डिग्री की रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू रूट टू, रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू रूट टू. इसको सॉल्व करें, आई को इधर साइन आई के टर्म को इधर ले आए तो इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, साइन आई जो होगा कॉमन हो जाएगा, अंदर आ जाएगा रूट टू माइनस रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू रूट टू ब्रैकेट बंद इक्वल्स टू कॉस आई इंटू रूट थ्री माइनस वन बाई टू रूट टू. सॉल्व करके निकालें आई की वैल्यू कितनी आ रही है, इसको जो है सॉल्व कर लें कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो साइन आई इंटू यहाँ पर जो हो जाएगा टू रूट टू और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू फोर माइनस रूट थ्री माइनस वन होगा इक्वल्स टू कॉस आई
इंटू रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू रूट टू। तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, थ्री माइनस रूट थ्री, क्या आ जाएगा, थ्री माइनस रूट थ्री। तो ये जो है साइन आई कॉस आई इधर ले आए इसको, तो ये हो जाएगा टेन आई इक्वस टू रूट थ्री माइनस वन अपॉन ये जो हो जाएगी वैल्यू, दैट विल बी थ्री माइनस रूट थ्री, थ्री माइनस रूट थ्री। रूट थ्री कॉमन ले लो, अगर रूट थ्री कॉमन ले लेंगे तो ऊपर आ जाएगा रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट थ्री माइनस वन। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा वन बाय रूट थ्री। तो कितना हो जाएगा आई की वैल्यू, दिस वैल्यू इज इक्वल टू टेन थर्टी डिग्री एंड देयरफोर टेन आई जो है आ गया टेन थर्टी डिग्री एंड दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल्स टू थर्टी डिग्री। आई जो है वह कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो दो वैल्यू हमको मिली हैं, एक जो है रिफ्रैक्शन के केस में कितना आया, जब आई 30 डिग्री के बराबर हो है ना, तो डेविएशन जो होगा वह कितना हो जाएगा, डेविएशन हो जाएगा 15 डिग्री। और जब एक दूसरी वैल्यू जो है, तो आई की दो वैल्यू मिली, कौन कौन सी, एक 30 डिग्री और दूसरी जो है 82.5। ये दोनों वैल्यूज जो है पॉसिबल है। ये हम, अच्छा हम ग्राफ को अगर न जाने, ग्राफ के बारे में न सोचते, या ग्राफ के इस क्वालिटी के बारे में हम नहीं सोच पाते, तो हम इमेजिन ही नहीं कर पाते कि एक सॉल्यूशन होगा कि दो सॉल्यूशन होगा। तो हम केवल एक सॉल्यूशन निकाल करके हम क्वेश्चन से बच सकते थे या निकल सकते थे आगे, और हो सकता था कि हमको ये कभी भी आंसर ना मिले अगर हम केवल एक सॉल्यूशन पे जाएं तो। तो जब भी आप डेविएशन देखें, उस डेविएशन को देखते समय आप हमेशा इस बात को देखेंगे कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात की जा रही है या डेविएशन की जब भी बात की जा रही है, तो उस डेविएशन के लिए, पार्टिकुलर डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की कितनी वैल्यूज़ जो हैं पॉसिबल हैं, और उसके लिए तुरंत हमको ग्राफ का जो है डायग्राम और पॉइंट्स जो है वो हमको ड्रॉ करने आना चाहिए। तो ये बात हो गई रिफ्रैक्शन की, है ना। अब जो है हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रिज्म की। प्रिज्म जो है, है ना, प्रिज्म में हम जब बात करते हैं प्रिज्म की, तो प्रिज्म कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर लाइट जो है ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ये प्लेन पे ऐसे, है ना, ये जो है नॉर्मल है और ये एंगल जो है दैट इज आई, है ना। तो ये जो है कि क्या होगी, ये प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है, तो रे कुछ बेस की तरफ मुड़ेगी, और यहाँ पर जो है फिर से एक बार हमको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, नॉर्मल ये, है ना, और रे जो है एक्चुअली ऐसे बाहर निकलेगी, और इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। दिस इज द एंगल आर वन एंड दिस इज एंगल आर टू। ये जो एंगल है ये वाला, इसको हम बोलते हैं प्रिज्म एंगल ए। तो इतनी बातें तो हमको पता है, इसकी बेसिक क्वालिटी जो है वो क्या होती है कि जो भी इंसिडेंट होती है रे, वह रिफ्रैक्शन के बाद बेस की तरफ क्या होती है, मुड़ जाती है, है ना, बेस की तरफ मुड़ जाती है। और हमको पता है कि इसमें हमको डेविएशन जो होता है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट।
डेविएशन हमको बार बार कैलकुलेशन की बात की जाती है, और डेविएशन जो होता है दैट इज I प्लस ई माइनस ए, है ना, I प्लस ई माइनस ए इज द नेट डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म व्हेन एनी रे इज इंसिडेंट एट एंगल I एंड इमर्ज आउट विथ एंगल ऑफ इमर्जेंस दैट इज इक्वल टू E, एंड द एपेक्स एंगल ऑफ द दिस, सॉरी ये जो है एपेक्स एंगल है, ये जो है एपेक्स एंगल है, ये एपेक्स एंगल जो होगा ये क्या होगा A, तो एपेक्स एंगल जो है वह A है। यहाँ पर प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म का मतलब ये होता है कि यहाँ पर टू टाइम्स रिफ्रैक्शन तो है ही, टू टाइम्स रिफ्रैक्शन तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जो सर्फेसेस जिनके थ्रू रिफ्रैक्शन हो रहा है दैट सर्फेसेस शुड बी इंक्लाइन टू ईच अदर, सर्फेसेस शुड इंक्लाइंड टू ईच अदर, ईच अदर, ठीक है। ये ऐसा होगा तभी हम इस सिस्टम को, अगर ये पैरेलल हो जाते थे तो क्या हम बोलते थे, प्लेन रिफ्रैक्शन ही है, बट अगर पैरेलल हो जाएंगे तो दे आर नोन एज स्लैब, एंड इफ दे आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, जैसे यहाँ पर जो है वो क्या है, इंक्लाइंड है, अगर ये इंक्लाइंड है एक दूसरे से तो हम ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, प्रिज्म बोलेंगे। तो डेविएशन जो है हमको ये पता होना चाहिए। दूसरी बात जो यहाँ पर जो है, यहाँ पर R1 और R2 की बात किए हैं, तो R1 प्लस R2 जो है इनका समेशन जो होता है एपेक्स एंगल के बराबर होता है, एपेक्स एंगल के बराबर होता है, यहाँ तक तो बात ठीक है। एक चीज़ इसमें जो है, डेविएशन की बात करते हैं हम, तो ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ऑफ डेविएशन वर्सेस इंसिडेंट एंगल इन प्रिज्म। अभी हम बात किए थे वह किसके लिए बात किए थे, हम लोग बात किए थे रिफ्रैक्शन के लिए, प्लेन सरफेसेस के लिए, लेकिन अब प्रिज्म के लिए अगर बात करें तो डेविएशन जो होता है ये इंसिडेंट एंगल आई, और ये जो है एंगल ऑफ डेविएशन, यहाँ पर जो ग्राफ होता है, ग्राफ जो होता है ऐसा होता है, है ना, अगर ध्यान से देखें है ना, तो ये ग्राफ है यहां पे, और ये जो चीज दिखा रहा है दिस इज मैक्सिमम डेविएशन, मैक्सिमम डेविएशन। एक चीज हमको ध्यान में रखना है नोट करके, क्या चीज, कि फॉर वन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन देयर इज टू वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, यानी कि आई एंगल पर अगर मान लो कि हम 30 डिग्री पर इंसिडेंट कराते हैं रे को, यहां पे देख लो, जैसे मैं क्या बोल रहा हूं उसको समझो कि ये प्रिज्म है, है ना, ये प्रिज्म है, मान लो कि ये नॉर्मल है, एक रे जो है 30 डिग्री पर यहाँ पर इंसिडेंट हुई, और ये रे मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री पर बाहर निकली, ऐसा हमने माना, ए की वैल्यू जो है मान लो कि 75 डिग्री है, नहीं कुछ ज़्यादा ले लो, चाहे ठीक है 75 डिग्री ले लिए, तो डेविएशन कितना होगा, डेविएशन अगर देखें तो डेविएशन बराबर आई प्लस ई माइनस ए, यानी कि यह वैल्यू जो आएगी 90 माइनस 75 दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री होगा। तो
होगा क्या कि अगर हम उसी प्रिज्म को इस्तेमाल करें और अब हम जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना ले लें, 60 डिग्री, प्रिज्म एंगल उतना ही है 75 डिग्री, तो यह रे जो है जब बाहर निकलेगी तो कितने एंगल पर निकलेगी, 30 डिग्री पर, कितने पर, 30 डिग्री पर, और इस केस में भी डेविएशन जो होगा वह कितना आएगा, 15 डिग्री, यानी कि अगर आई की वैल्यू या 30 डिग्री हो या 60 डिग्री हो, जो कि ई के बराबर है, एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर है, इन दोनों ही वैल्यूज के लिए एक एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू मिलेगी, है ना, यानी कि कभी भी पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डेविएशन, देयर इज ऑलवेज टू वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, वन इज आई एंड सेकेंड वन इज ई। हाँ ये होता है विकास, ऐसा होता है। तुम यहाँ पर जो है, अब बात है कि हम लोग थोड़ा इसको इलोबरेटेड वे में नहीं पढ़ना चाहते, नहीं डिस्कस करना चाहते, तो एक ही टॉपिक में रह जाएंगे, है ना, लेकिन ऐसा होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो आई है फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एन एंड ए, ई विल बी सेम, है ना, एंड देयर फॉर अगर ई यहाँ पर होगा तो ये आर टू होगा, और ये आर टू होगा तो ये आर वन होगा, और ये आर वन होगा तो ये आई होगा। मैं इसको यहीं पे मैं छोड़ता हूँ, मैं दिखा दूँ इसको करके, प्रूफ करके, विकास इसको देख लो, देख ही लो, अगर तुम कंफ्यूज हो तो देख ही लो इस चीज़ को। मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ। अगर मान लो कि ये n है, ये a है, है ना, तो यहाँ पर ये i होगा। अगर ये i है तो यह जो रे होगी यहाँ पर, यह कितना होगा, r1 होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें ये वाली वैल्यू तो ये कितनी होगी, r2 होगी, तो यहाँ पर जो होगा ये कितना हो जाएगा, e हो जाएगा। अब इसी प्रिज्म को उठा लो, है ना, जिसका प्रिज्म एंगल a है। अब अगर ध्यान से देखें तो हम कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस ले रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस e ले लें, तो अगर e लेंगे तो इसके साथ वाला एंगल जो है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो कितना है, r2 है, यानी कि यहाँ पर जो होगा वह क्या होगा, r2 होगा, है ना। और अगर यह r2 है तो हम जानते हैं कि r1 प्लस r2 जो है वह a के बराबर है, तो r2 वही है, तो इसका मतलब r1 जो होगा, यह एंगल जो होगा वह किसके बराबर होगा, r1 के बराबर। और अगर यह r1 है तो यह एंगल जो होगा वह i के बराबर होगा। तो इस केस में अगर देखें तो डेविएशन जो होगा i प्लस e माइनस a, और इस केस में देखें तो डेविएशन जो होगा e प्लस आई माइनस ए, है ना, जो कि दोनों ही केस में सेम है। तो ये डेविएशन की जो बात हम मैं कर रहा हूँ, कि जो ग्राफ की बात हम लोग कर रहे हैं, ये ग्राफ थोड़ा मैं और एग्जैक्ट थोड़ा सा ढंग से बना लेते हैं। है ना, ऐसे ये थोड़ा सा इधर ज्यादा होता है, टिल्टेड होता है। यह वैल्यू जो है, यह आई बराबर पाई बाई टू के लिए है, आई बराबर पाई बाई टू के लिए। तो आई बराबर पाई बाई टू के करेस्पॉन्डिंग जो होगा ई, यानी कि ग्राफ की दो तीन बातें जो हैं याद रखनी है, क्या चीज, फॉर फॉर मैक्सिमम डेविएशन, मैक्सिमम डेविएशन, फॉर मैक्सिमम डेविएशन आई शुड बी इक्वल टू पाई बाई टू, और ई शुड बी इक्वल टू पाई बाई टू। जब भी ऐसा होगा तो मैक्सिमम डेविएशन होगा। मिनिमम डेविएशन की बात करें तो यह वैल्यू जो होगी, यह वैल्यू जो होगी वह मिनिमम डेविएशन होगी, और इस मिनिमम डेविएशन के लिए यह जो वैल्यू होती है तब
व्हेन आई और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ ई जो होगा वह क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि फॉर मिनिमम डेविएशन आई शुड बी इक्वल टू ई। तो ये दोनों पॉइंट जो हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वैल्यू, ये दोनों चीज़ें, दोनों बातें, दोनों फैक्ट्स जो हैं हमको दिमाग में रखनी है, है ना। और इसको देखते हुए हम लोग जो है बात करते हैं इसकी, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म हैविंग म्यू इज इक्वल टू रूट टू सफर्स मिनिमम डेविएशन जो है हो रहा है। इट इज़ फाउंड दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डबल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विद इन द प्रिज्म। व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, फाइंड आउट। इसको एक बार करने की कोशिश करें कितना होगा। इसको कैलकुलेट करें, एक बेसिक क्वेश्चन है, मिनिमम डेविएशन की बात की जा रही है, करें इस क्वेश्चन को। चलो क्या हुआ, अगर देखें तो इसको प्रिज्म को बना लेते हैं। ये मान लेते हैं कितना है, ए है, और एन बराबर जो है दैट इज रूट टू। एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन, एक रे जो है वह यहाँ से इंसिडेंट हो रही है, और यहाँ पर बोल रहा है कि आई जो है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डबल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विद इन द प्रिज्म, यानी कि आई जो है वह 2R के बराबर है। किसके बराबर है, 2R के बराबर, यानी कि अगर यह आई है तो ये जो एंगल है ये वाला, ये कितना है, R1 लिख लेते हैं, तो ये 2R1 के बराबर है, ऐसा हमने लिख लिया। तो इसका मतलब ये है, अच्छा n बराबर दिया है कि n बराबर जो है दैट इज रूट टू। तो एक बार जो है इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या स्नेल्स लॉ यूज कर लेते हैं, यूजिंग स्नेल्स लॉ को अगर यूज करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इधर जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है 1 है, तो 1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू रूट टू इंटू साइन R1, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर साइन आई की वैल्यू जो है वह कितना है, 2R1 के बराबर, तो हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट साइन 2R1 इज इक्वल टू रूट टू इंटू साइन R1, है ना। साइन 2R1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं 2 साइन R1 इंटू कॉस R1,
इक्वल्स टू रूट टू साइन आर वन, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी एंड दिस इम्प्लाइज दैट कॉस आर वन इज इक्वल टू रूट टू बाई टू एंड दिस विल बी इक्वल टू वन बाई रूट टू एंड दिस विल बी कम आउट टू बी कॉस 45 डिग्री. देयरफोर क्या हम लिख सकते हैं, आर वन जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री. और आर वन अगर 45 डिग्री है ना, तो बोल रहा है कि मिनिमम डेविएशन है. क्या हो रहा है, मिनिमम डेविएशन. और अगर मिनिमम डेविएशन है, इफ मिनिमम डेविएशन इज देयर देन आई जो होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू ई. और आई अगर ई के बराबर है, दिस इंप्लाइज दैट आर वन शुड बी इक्वल टू आर टू. मिनिमम डेविएशन के केस में हमने क्या बोला कि आई जो होना चाहिए वह ई के बराबर होना चाहिए. और आई और ई अगर बराबर हैं तो इसका मतलब कि आर वन और आर टू जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे. आर वन आर टू बराबर हैं, बट हम ये भी जानते हैं कि आर वन प्लस आर टू जो होता है दैट इज इक्वल टू ए. एंड सिंस आर वन प्लस आर टू बराबर इतना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आर वन बराबर आर टू बराबर ए बाई टू. कितना हो जाएगा, ए बाई टू. तो आर वन की वैल्यू हमको पता है, सिंस आर वन इक्वल्स टू ए बाई टू एंड आर वन की वैल्यू जो है दैट इज 45 डिग्री. इसका मतलब यह है कि 45 डिग्री जो है दैट इज इक्वल टू ए बाई टू एंड दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू 90 डिग्री. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, है ना. व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म इज 90 डिग्री, है ना. दिस इज राइट एंगल प्रिज्म, है ना. ठीक है. अब जरा मिनिमम डेविएशन की जब बात करते हैं तो एक एक्सप्रेशन जो होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो क्या चीज कि फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए, मिनिमम डेविएशन डेविएशन इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा मिनिमम से. डेल्टा मिनिमम यह तभी होता है जब I बराबर E होता है, और ये तब होता है जब R1 बराबर R2 बराबर A बाई टू होता है. तो इस केस में डेविएशन जो होगा वह कितना होता है, I प्लस E माइनस A. बट मिनिमम डेविएशन के केस में यह कितना हो जाता है, 2I माइनस A लिख सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम डेविएशन. When I is equal to E, then this deviation becomes minimum deviation, and therefore this implies that I जो होगा that will be equals to delta minimum plus A by 2, by 2. अब यहाँ पे कोई प्रिज्म है, इस प्रिज्म में कोई अगर ध्यान से देखें तो यह जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स np है, np, व्हाट इज np, np इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म एंड दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग. जिस सराउंडिंग में हम बात कर रहे हैं दैट इज ns. और अगर हम बात करें कि यह i एंगल पे है ना, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो होगा क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, क्योंकि r1 बराबर r2 मिनिमम डेविएशन के लिए. ये मान लेते हैं कि एंगल कितना है, ए है. तो जरा अब स्नेल्स लॉ हम यूज करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि एन एस इंटू साइन आई इज इक्वल टू एन पी इंटू साइन आर, है ना, एन पी इंटू साइन आर. और आई की वैल्यू अगर लिख लें
तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि एनपी, या यहां से हम लिख लें साइन आई बराबर कितना लिख सकते हैं, एन एस इंटू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू इक्वल्स टू एन पी इंटू साइन आर की वैल्यू जो है वह आर कितना हो जाता है, साइन आर की वैल्यू जो है कितना है ए बाई टू, ए बाई टू। तो इसको जो है इधर ले आए और इसको इधर ले आए तो एक एक्सप्रेशन आता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एन पी बाई एन एस इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, है ना। ये हमारा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है और ये एग्ज़ाम में इससे कई बार जो है नीट वगैरह में तो कई बार जो है, क्योंकि ये जो है एक्सपेरिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये एक्सप्रेशन दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और इसलिए इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करें, आप लोग ट्राई करें और देखें क्या आता है, क्या इसमें बोला है। अ रेल ऑफ लाइट अंडरगोज डेविएशन ऑफ 30 डिग्री व्हेन इंसिडेंट ऑन एन इक्विलेटरल प्रिज्म, एक इक्विलेटरल प्रिज्म है ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट टू, रिफ्रैक्ट बना लेते हैं यहाँ पे, है ना, ये इक्विलेटरल है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी कितना होगा 60 डिग्री, ये भी कितना होगा 60 डिग्री। ये ऐसा प्रिज्म है, ट्रायंगल नहीं है, प्रिज्म है ये, हम क्रॉस सेक्शन एरिया जो है एकदम फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो हमको प्रिज्म ऐसा दिखेगा। और बोल रहा है कि डेविएशन जो है दैट इज 30 डिग्री, है ना, एन जो है दैट इज रूट टू, है ना। व्हाट इज द एंगल सबस्टेंडेड बाय द रे इनसाइड द प्रिज्म विथ द बेस ऑफ प्रिज्म, मतलब जो यहाँ पे रे जो है, यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करें तो एक रे जो है जो यहाँ पर आई एंगल पर इंसिडेंस हो रही है वह जो है यहाँ पर यह जो एंगल ऐसे जा रही है वह इस बेस के साथ कितना एंगल बना रही है, कितना एंगल बनाएगी, फाइंड आउट। कैलकुलेट करें इसको सब लोग, कितना होगा कैलकुलेट कर एक बार, आंसर आप खुद से निकालें फिर मैं इसको डिस्कस कर देता हूं कितना होगा। अगर ध्यान से देखें तो एक चीज है जो एंगल यहां पर देखो, अगर हम यहां पर देखें कि अगर डेल्टा बराबर डेल्टा मिनिमम हो, अगर मिनिमम डेविएशन हो, जो डेविएशन दिया गया है अगर यह मिनिमम डेविएशन के बराबर है देन इसका मतलब होता है कि देन रे इनसाइड प्रिज्म इज पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये अगर ध्यान से देखें
तो ये क्या है R1 है और ये क्या है R2 है। अगर मिनिमम डेविएशन होगा तो R1 और R2 को क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। और बराबर यह तभी हो सकता है जब यह रे पैरेलल हो किसके, बेस ऑफ द प्रिज्म के, यानी कि हम मिनिमम डेविएशन जो है निकाल लेते हैं। यहाँ पर ns जो है वह कितना है, 1 है। np जो है वह दिया हुआ है, दैट इज रूट 2, है ना। तो हम अभी मिनिमम डेविएशन के लिए फॉर्मूला डिराइव किए थे, क्या चीज़ डिराइव किए थे कि np बाई ns दैट इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। इतना ही तो होता है। अब यहां पर एंगल ऑफ प्रिज्म हमको मालूम है, अगर ध्यान से देखें तो np जो है रूट 2 है, ns जो है दैट इज 1 है, दैट इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम की अगर बात करें तो डेल्टा मिनिमम हमको पता नहीं है, हमको निकालना है, प्लस a जो है दैट इज 60 डिग्री बाई 2 अपॉन यहां पर जो होगा साइन 30 डिग्री हो जाएगा। इस वैल्यू को अगर कैलकुलेट करें तो रूट 2 इंटू साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस 60 डिग्री, प्लस 60 डिग्री बाई 2, है ना। और अगर ये ऐसा है तो यहाँ पर हम ध्यान से देख सकते हैं कि यह जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी, 1 बाई रूट 2, यानी कि साइन डेल्टा मिनिमम प्लस 60 डिग्री बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री। कितना, साइन 45 डिग्री, एंड दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा मिनिमम प्लस a बाई 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 45 डिग्री, एंड डेल्टा मिनिमम प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओहो, इसका मतलब ये है कि जो और डेविएशन कितना दिया हुआ है, डेविएशन बराबर 30 डिग्री गिवेन है। क्या यह जो है डेल्टा मिनिमम के बराबर है, यस। दिस इंप्लाइज दैट आर वन बराबर आर टू होगा, यस। एंड दिस इंप्लाइज दैट रे जो होगा दैट इज पैरेलल, रे इज पैरेलल टू बेस। तो कितना एंगल सबस्टेंड करेगा, तो कितना एंगल सबस्टेंड करेगा, देयरफॉर एंगल सबस्टेंड बाय रे इनसाइड द प्रिज्म विथ द बेस इज इक्वल टू जीरो डिग्री, इज इक्वल टू जीरो डिग्री। इसलिए ये सब प्रॉपर्टी जो है वो हमको दिमाग में होनी चाहिए। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू। On is to on, study is always on. Concepts के बेहतर realization के लिए is to on पर बने रहिए।